हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं भिंडी की कुरकुरी सब्जी बनाने जा रही हूँ। इसे हम भुजिया भी कहते हैं। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में उतना ही टेस्टी है। अक्सर देखा जाता है कि भिंडी बनाते टाइम चिपचिपी लसलसी सी दिखती है, लेकिन हम जैसे ठीक से बनाएंगे उससे भिंडी में बिल्कुल चिपचिपाहट नहीं रहेगी और ये बहुत ही करारी बनकर तैयार होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये भिंडी की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम भिंडी की कुरकुरी सब्जी बनाना शुरू करते हैं। भिंडी की सब्जी बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है भिंडी। ये 500 ग्राम भिंडी है। इसे हमने धो के कॉटन कपड़े में पोंछ लिया है और फिर उसको ऐसे छोटे छोटे पीसेस में हम काट लिए हैं। यहाँ पे हम लिए हैं जीरा और लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी और तेल। यहाँ हम 4 चम्मच यूज करेंगे। और आधा टुकड़ा हम यहाँ पे नींबू लिए हैं। नींबू को हमें क्या करना है, भिंडी के ऊपर हमें इसे निचोड़ देना है। इससे क्या होता है, अपनी भिंडी जो है वो चिपचिपी नहीं बनती है। जब हम इसे तेल में डालेंगे तो ये खुला खुला तैयार होगा और नींबू के डालने से इसका टेस्ट भी हल्का हल्का खट्टा खट्टा आता है। तो ये भिंडी की फ्राई सब्जी बड़ा ही यूनिक लगती है। तो हम इस पे आधा नींबू निचोड़ दिए हैं। तो चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने एक कढ़ाही रख लिया है। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे और कढ़ाही को हम अच्छी खासी गर्म होने देंगे। कढ़ाही अपनी जितनी अच्छी से गर्म होगी उतना ही तेल अच्छे से गर्म होगा और उसमें भिंडी तले में चिपकेगी नहीं। तो कढ़ाही गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे तेल और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें मिर्ची को 2 टुकड़े में तोड़ के और छोड़ देंगे और साथ में हम जीरा भी छोड़ देंगे और दोनों को अच्छे से हम चटकने देंगे। मिर्च जीरा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें भिंडी को छोड़ देंगे। और इसे हम हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे जैसे कि तेल का कोटिंग हो जाए इस पे। भिंडी हमें ढक के नहीं पकाना है क्योंकि इसका मॉइस्चर बहुत होता है और ये अपने आप से पक जाता है। तो हम इसे ढकेंगे नहीं। आप ध्यान से देखिए, सभी भिंडी पे तेल की कोटिंग हो चुकी है। इसके लिए हमने थोड़ा ज्यादा तेल लेना पड़ा था। अब हम इसे 5 मिनट तक पकाएंगे, लेकिन हम बीच में 1 से 2 बार चलाते रहेंगे। भिंडी को हम बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे क्योंकि अभी भिंडी तो अपनी कड़क है, एक दूसरे से टूटेगी नहीं, लेकिन बाद में हम इसे धीरे धीरे चलाना शुरू करेंगे। तो ऐसे फैलाते हुए हम भिंडी को अच्छे से पका लेंगे। भिंडी को चला चला के हमने 5 मिनट तक पकाया है। तो आप ध्यान से देखिए, काफी हद तक भिंडी गल चुकी है। अब हम इस स्टेज पे मसाला ऐड करेंगे। तो इसमें हम 1/3 चम्मच हल्दी डालेंगे क्योंकि हल्दी के बिना तो सब्जी का कलर ही नहीं आता है। अब हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे। अगर आपको तीखा कम पसंद है, बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो मिर्च कम कर दीजिए। और भिंडी गल जाएगी इसके लिए उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो हम 1/2 चम्मच ही नमक डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा। अब हम हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे। तो आप देखिए, नींबू निचोड़ने से अपनी भिंडी जो है एक दूसरे से चिपक नहीं रही है और कलर भी बहुत प्यारा आ रहा है। तो हम ऐसे
चलाते हुए तेल फ्लेम पे ही हम भिंडी पका रहे हैं और ऐसे ही हम चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। भिंडी में हल्दी मिर्च नमक अच्छे से मिक्स हो गया है। अब भिंडी अपना ऑलमोस्ट पक चुकी है तो हम गैस के फ्लेम को अब मीडियम कर लेंगे और इसे धीरे धीरे क्रिस्पी करेंगे। बीच बीच में हमें चलाना बंद नहीं करना है। अब हम भिंडी को एक बार चला लेंगे तो आप ध्यान से देखिए, कोई भी भिंडी का पीस जो है वो अपना बीच से टूटा नहीं है, एकदम फ्रेश फ्रेश भिंडी तैयार हुआ है। तो अब हम फ्लेम को तेज करके 1 मिनट तक इसे और कुरकुरी कर देंगे। ये 1 मिनट हम चम्मच हाथ में ही रखेंगे, चलाते रहेंगे। तो अगर आपको कुरकुरी भिंडी बनानी है तो ज्यादा इसे फ्राई कीजिए, नहीं तो भिंडी अपनी पक चुकी है। तो अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर रहे हैं और हमने तेल ज्यादा यूज किया था तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कढ़ाई को थोड़ा सा टेढ़ा कर लेंगे और सब्जी को ऐसे साइड में हम कर देंगे। इससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा तेल है वो इधर साइड में निकल के आ जाएगा। तो इस तेल को हम वेस्ट नहीं करेंगे, किसी और सब्जी में यूज कर लेंगे या कोई मसालेदार पूरी बनानी हो तो उसमें हम मोइन के रूप में इसे डालेंगे, पूरी बड़ा टेस्टी होती है। तो ऐसे हम टेढ़ा करके तेल को 2 मिनट तक निकलने देंगे। तो तेल किनारे आ चुका है, अब हम एक सर्विंग डिश लेंगे और उसमें आराम आराम से अपने भिंडी को निकाल लेंगे। तो आप देखिए, एक एक दाना अलग अलग कुरकुरी तैयार हुई है। तो ऐसे हम सब्जी को डिश आउट कर लेंगे। भिंडी की कुरकुरी सब्जी बनकर तैयार है। ये थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा तीखा और करारा बहुत ही बढ़िया तैयार हुआ है। इसे आप पूरी, पराठे या चपाती के साथ खा सकते हैं। इसे आप चावल दाल के साथ भी खा सकते हैं। इसे आपके बच्चे तो बहुत पसंद करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।